वर्तमान राज्य में मुख्यतः सुखिला पाग चली गाँ भा के जगार वर्षा होगी राज्य में आगक आसूरी दुई दुईट लघुचाप तेज यह लघुचाप अधिक घनीभूत हो बात्यारणत हो पाए तेज कौन रही पाणीपाग विभाग पक्ष लाटेस्ट अपडेट निहत भाव भिडियो जाना पूर्व लाइक करने सहित यह भिडियो आगे देखा चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखु नुआ नुआ अपडेट प्रथम यह चैनल में पारे आसंता 14 तारीख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर एक घूर्णीभल क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही यार तीन दिन पर आउ एक घूर्णीभल सृष्टि हो केतेक पाणीपाग मॉडल आकलन करिछन्ति आसंता 18 तारीख बेलू लघुचाप परिणत होवार संभावना रही तबे एहारी भितरे जदि एही लघुचाप गभीर अवपात में परिणत हेबो तबे ताहा बात्यार रूप नेबो बोली अनुमान करा जाउछि एहार गति कुआडे हेबो एवं एहा गभीर अवपात में परिणत हेबो कि नाही से नै एबेठारु किछि आकलन करा जाई पारिबो नाही तबे अक्टोबर रे मुख्यतः ओडिसा को बात्या विपद रही थाए उक्त दुई लघुचाप कि रूप धारण करुच्ची से नै आसंता 8 तारीख सुधा स्पष्ट हेबो पश्चिम बंग एहार आखपाख अंचल रे एक घूर्णीबल सृष्टि होईची एहा प्रभाव रे आसंता 7 तारीख जाए राज्यर केतेक स्थान रे वर्षा हेबो बोली अनुमान करा जाउची तबे आसंता 24 घंटा मध्य रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट मलकानगिरी कंधमाल रायगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल जिलार किसी स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही एने पाणीपाग विभाग पक्ष येलो वार्निंग जारी कर उक्त जिलागुड़ी से हीपरी 6 तारीख मध्य कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक जिलार केतक स्थान में स्वल्पर मध्यम धरणर वर्षा हो बोली सूचना रही सेहीपरी 7 तारीख में मध्य जिलागुड़िकर वर्षा होबा नहीं सूचना मिलुची तबे गत 24 घंटा मध्य राज्यर केतक स्थान में वर्षा हो जाइछि भुवनेश्वर में 10 मिलीमिटर वर्षा होता बेले पारला खेमुंडे 25 कोरापुट 3 और दारिंगबाड़ 4 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड कर तबे आगक लघुचाप घनीभूत हो बात्यार परिणत हो पारे आकलन कारण पूर्वर हुड़हुड़ फाइनल अक्टोबर मासरे आसते तेज आगे जेकोसी अपडेट आसपा विभाग पक्ष प्रथम यह चैनल मिले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को।